नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। सो इस छठे एपिसोड में हम ओशो ज़ेन टैरो के सिक्स्थ कार्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि है नो नथिंगनेस। उससे पहले हम बात करेंगे राइडर वेट टैरो के बारे में। जो राइडर वेट टैरो का जो छठा कार्ड है वो है द कार्ड ऑफ द हीरोफेंट। थोड़ा बहुत हीरोफेंट कार्ड के बारे में समझेंगे। हीरोफेंट कार्ड में जब हम हीरोफेंट कार्ड को देखते हैं तो उसके अंदर जो है हम देखते हैं एक प्रीस्ट या फिर एक रिलीजियस फिगर जो है वो ब्लेसिंग दे रहा है अपने शिष्यों को। सो हीरोफेंट कार्ड का जो मतलब है, जो अगर इन एसेंस अगर हम बात करें, तो इट्स अ कार्ड ऑफ रिलीजियस मैसेज। इट्स अ कार्ड वेयर द मैसेज इज कमिंग टू यू, सम काइंड ऑफ अ रिलीजियस मैसेज इज कमिंग टू यू, और यू आर कनेक्टेड टू अ टीचर, और द विजडम इज कमिंग थ्रू दिस सोर्स। और ये जो सोर्स क्या है, ये सोर्स है ये टीचर, ये सोर्स है ये कोई एक रिलीजियस फिगर है जिसके थ्रू जो है ये आपको ये मैसेज आ रहा है। और हीरोफेंट कार्ड जो है वो मैरिज के लिए भी स्टैंड करता है, एक तरह की एसोसिएशन के लिए स्टैंड करता है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हीरोफेंट के लिए। अब हम असली इंट्रोडक्शन पे आते हैं, व्हाट एक्चुअली इज नो नथिंगनेस कार्ड। ओशो का नो नथिंगनेस कार्ड अपने आप में बहुत स्पेशल कार्ड है, क्योंकि जब आप कार्ड देखेंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ब्लैंक एम्प्टीनेस, एंड दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट, नो नथिंगनेस। और नो नथिंगनेस का मतलब क्या है, देयर इज नो वेयर टू गो, नो वेयर टू बी, एंड देयर इज ओनली वन प्लेस टू गो, एंड दैट इज विद इन यू। तो कहीं जाने को नहीं है, कुछ होने को नहीं है, सिर्फ अपने भीतर जो है स्थित होने की बात है। और वो स्थिति कुछ ऐसी है कि वो नो नथिंगनेस की तरह है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो ध्यानी है, जो अपने भीतर के साथ जो है जो कनेक्टेड है, उसको नो नथिंगनेस में सारा रस है। उसको नो नथिंगनेस में ही उसको सारा रस है। नो नथिंगनेस ऊपर से वर्ड नेगेटिव है, लेकिन नो नथिंगनेस उसके लिए नेगेटिव है जो अभी तक ध्यान में नहीं गया है। लेकिन एक बार अगर आप ध्यान में चले जाएं, तो फिर आपके लिए नो नथिंगनेस बिकम्स अ ब्लेसिंग। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। शुरू में जब कोई ध्यान करना शुरू करता है तो उसके लिए जो है ये डरावनापन लगता है उसको, ये ऑल दिस नो नथिंगनेस, जो नो नथिंगनेस की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे एक जो ओशो का जो वर्ड है जिसके लिए वो यूज़ करते हैं वो है शून्यता। शून्यता एक जो है वो एक बहुत एक हाईएस्ट स्टेट है, जिसके अंदर वेयर यू आर जस्ट कम्प्लीटली टोटली विद योर ओन सेल्फ। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो आपको ये जो नो नथिंगनेस है वो डराएगी, क्योंकि हमें बाहर के संसार की आदत है, बाहर के शोर की आदत है, बाहर के विजुअल्स की आदत है। लेकिन जब हम अपने भीतर जाते हैं तो फर्स्ट टाइम पता चलता है कि देयर इज़ नथिंग देयर, और उस नो नथिंगनेस की जो है हमारे को धीरे धीरे आदत पड़नी शुरू होती है। हम उस नो नथिंगनेस में रहना शुरू करते हैं, और धीरे 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 जो है वो जो एक डर है, एक वो जो एक एक हमारा जो फियर है शून्यता को लेके, जो कि अलोननेस को लेके, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से जाने लगता। तो शुरू में अपने साथ होना जो है एक घबराहट आपके अंदर जो है ला सकता है, क्योंकि हमें हमेशा जो है कहीं ना कहीं कंपेनियंस हमें अपने पास, हमें आसपास चाहिए। जीवन का हम ढंग ही ऐसा बना लेते हैं जिसके अंदर जो है हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और वो डिपेंडेंसी आपके पूरे जीवन चलती है। लेकिन जिस पल, जिस क्षण जो है आप अपने भीतर जुड़ना शुरू करते हैं, अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, अपनी शून्यता के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, अपने नो नथिंगनेस के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, दैट इज़ द टाइम द ब्लॉसमिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू। जो शून्यता का जो फूल है वो आपके भीतर खिलना शुरू होता है। तो शुरू में तो कोई डायरेक्शन नहीं दिखती है, शुरू में तो कोई हिंट नहीं दिखता है कि भाई कहाँ जाएंगे। अंदर जो है कोई कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अगर हम नो नथिंगनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ है नहीं। वो जो है नहीं जो है, भगवान बुद्ध उसको कहते हैं, वहीं पे सब कुछ है। तो ये जो नो नथिंगनेस का जो कार्ड है, जो शून्यता का कार्ड है, वो आपको इंस्पायर करता है अपने भीतर के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने साइलेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। और आप जितने गहरे साइलेंट होते रहेंगे अंदर से, उतना आप देखेंगे कि वो जो नो नथिंगनेस का जो मज़ा है वो आपको आना शुरू होता है। तो हज़ारों टैरो कार्ड्स आप मार्केट में देखेंगे, लेकिन एक ही टैरो कार्ड है ओशो ज़ेन टैरो, जिसमें नो नथिंगनेस, जिसमें जस्ट ब्लैंक आपको जो है स्क्रीन दिखती है, जो कि अपने आप में बहुत रिमार्केबल है, जो कि अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज़ है कि अगर आपने जो है साइलेंस का मैसेज देना है, अगर आपने अपनी डीप स्टेट के बारे में कुछ बोलना है, तो कार्ड को खाली छोड़ना पड़ेगा,
कार्ड के अंदर बस सिंपली एक अंधेरा दिखाना पड़ेगा। जब हम अंधेरे की बात करते हैं तो उसी अंधेरे में हमारी ग्रोथ है, उसी अंधेरे में हमारी जो है डेवलपमेंट है। हम 9 महीने जो है माँ के पेट में रहते हैं, गहराई के अंदर जो है उस वक्त जो है अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता। उसी अंधेरे में जो है बच्चा ग्रो करता है। जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सारी की सारी अंधेरे में होती है। जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी हीलिंग है, वो सारी की सारी जो है अंधेरे में ही होती है। क्योंकि नेचर का काम कुछ ऐसा है कि वो काम ही जो है पूरा अंधेरे में है। अगर आप जहाँ पे भी लाइट फेंक देंगे, जहाँ पे ब्राइट कर देंगे, वहाँ पे जो है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो जीवन में अंधकार की अपनी एक जगह है। जैसे प्रकाश के लिए जगह है, वैसे ही अंधकार के लिए जगह है। दोनों के कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में पूरी लाइफ जो है क्रिएट होती है। यिन एंड यांग का सिंबल देखें तो एक हिस्सा ब्लैक है, एक हिस्सा वाइट है, और वो अपने आप में प्योरली एक लाइफ का सिंबल है, जो कि हमें बताता है कि दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ कम्प्लीट, दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ कम्प्लीट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट। तो जब हम बात कर रहे हैं नथिंगनेस की, तो हम बात भगवान बुद्ध की एक छोटी सी मेडिटेशन के बारे में करते हैं, जिसको वो विपस्सना कहते हैं। भगवान बुद्ध ने एक ही टेक्निक जो है कहीं ना कहीं अपने सभी शिष्यों को दी है, और वो टेक्निक अपने आप में इतनी सिंपल है। टेक्निक यही है कि आपको अपनी आती जाती सांस को देखना, और सांस को देखते 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 एक ऐसी स्टेज आती है कि व्हेन एवरीथिंग इनसाइड ऑफ यू स्टार्ट सेटलिंग डाउन, जो आपके भीतर जो आपके मन की जो मिट्टी है वो सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट बिकमिंग मोर फोकस, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर कंसंट्रेटेड इन व्हाटएवर यू डू। आप देखोगे जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपके स्कैटर्ड जो एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी जो है आपके अंदर वापस आनी शुरू होगी। और एक सिंपल टेक्निक से जस्ट वॉचिंग योर ब्रेथ, इस ब्रेथ को देखते 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 जो मन की जो मैल है वो धीरे धीरे जो है वो गायब होनी शुरू हो जाती है, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, और वो आपको एहसास देती है उस नो नथिंग शून्यता का, जिसकी बात हम इस ओशो ज़ेन्टारो कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर हम हेरोफेंट कार्ड के साथ कंपेयर करें इस कार्ड को, तो हेरोफेंट अपने आप में जो है वो मैसेज, वो कार्ड है एक स्पिरिचुअल मैसेज का। और अपने आप में अगर देखा जाए तो अगर गुरु से अगर कोई मैसेज आना है, अगर एक टीचर से मैसेज आना है, द बेस्ट मैसेज विच कैन कम फ्रॉम अ टीचर इज़ अ मैसेज ऑफ साइलेंस, इज़ अ मैसेज ऑफ नो नथिंगनेस। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो नो नथिंगनेस इज़ द बेस्ट कार्ड, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट लेवल कार्ड, यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड यू विल कम अक्रॉस इन ओशो ज़ेन टैरो कार्ड। तो जिस तरह से हेरोफेंट जो है अपने शिष्यों को जो है एक वो जो स्पिरिचुअल टीचिंग दे रहा है, और वो जो स्पिरिचुअल टीचिंग क्या है, वो स्पिरिचुअल टीचिंग और कुछ नहीं, इट्स अ मैसेज ऑफ नो नथिंगनेस, शून्यता का मैसेज। और जब आप अपने इस भीतर के व्यक्ति को डिस्कवर करना शुरू करते हैं उस ध्यान से, उस योग से, उस साधना से, तो आपके भीतर जो है उस नो नथिंगनेस के साथ आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सबके भीतर एक ये पोटेंशियल है, ये ध्यान की पोटेंशियल है, ये शून्यता की पोटेंशियल है, ये नो नथिंगनेस की पोटेंशियल है, एंड ईच वन ऑफ अस इज बॉर्न विद दैट पोटेंशियल, कि आप ऊंचे आकाश मोड़ सकते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपके पास है, एंड एवरी फैकल्टी इज सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज इट, एंड यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। ओशो कहते हैं शुरुआत में नो नथिंगनेस थी, दैट मीन्स शून्यता थी, उसके बाद बीच में आपकी लाइफ आ गई, उसके बाद फिर से शून्यता आ गई। तो वो बोलते हैं कि जब जो जीवन का जो असली जो स्वभाव है वो शून्यता ही है, तो ये जो बीच में जो थोड़े टाइम के लिए जो कोलाहल चलता है उसके लिए इतना फस क्यों क्रिएट करना, उसके लिए इतना ज़्यादा जो है परेशान क्यों होना, उसके लिए इतना एम्बिशियस क्यों होना, उसके लिए इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों होना। जब हम थोड़े से समय के लिए इस जीवन में जुड़े हुए हैं, थोड़े से समय के लिए जो है इस जीवन में है, तो अच्छा ये हो कि हम उस शून्य स्वभाव के साथ जुड़े अपने, जो हमारा असली स्वभाव, जो कि इस कार्ड का रियल मैसेज है, नथिंगनेस टू नथिंगनेस इज़ द रियल जर्नी। तो ओशो ज़ेन टैरो के इस कार्ड से हमें जो है कहीं ना कहीं ओशो की गहराई का पता चलता है, ओशो के डीप मैसेज का पता चलता है कि दैट व्हाट एक्चुअली ही मींस। तो इसलिए मैंने जो है शुरू में इस सीरीज के ये बात मैंने आपसे कही थी, ओशो ज़ेन टैरो को आप प्रेडिक्शंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, कर सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर आप चाहें तो कहीं ना कहीं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस के लिए द बेस्ट इज़ राइडर वेट टैरो कार्ड। दिस इज़ मोर अबाउट यू नो, दिस इज़ मोर अबाउट योर ओन स्पिरिचुअल मैसेज। एक एक कार्ड में अपने आप में इतनी गहराई है, एक एक कार्ड में इतना कुछ जो है हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, इतना कुछ छुपा हुआ है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरी कोशिश यही है इन वीडियोस के थ्रू आपको इन कार्ड्स का रियल मीनिंग में आपको बात कर सकूं, रियल मीनिंग शेयर कर सकूं। ये पेंटिंग्स जो हैं माँ देव पद्मा ने बनाई हैं, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, और वो खुद ओशो की सन्यासिन रही हैं, और उनकी डायरेक्शन में ये वाला जो ये जो ओशो ज़ेन टैरो है वो तैयार हुआ है। तो पर्पस यही था इन कार्ड्स का कि
आप जो है और गहरे अपने ध्यान में जा सके। और जैसे कि मैंने बात करी है कि इवन राइडर वे टैरो भी जो है अपने आप में एक स्पिरिचुअल टूल है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओशो ज़ेन टैरो, दिस इज़ अ प्योर स्पिरिचुअल टूल, सो मेक श्योर यू यूज़ इट इन द राइट वे। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ नो नथिंगनेस of Osho's Zen Tarot card. I hope you enjoyed the reading. Thank you so much for watching. Namaste.